गैरेज सेल पर बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। वाह, यहाँ बहुत सारा सामान है। मुझे वो स्कूटर चाहिए। ये आपका हुआ ब्यूटीफुल, पर पहले पैसे दो। $100? इतना ज्यादा क्यों? उसके पास बस $1 है। ये लो, ये स्कूटर के लिए काफी नहीं है, पर एक पुरानी बाइसिकल के लिए काफी है। ये कौन सी पुरानी चीज है? क्या ये काम भी करती है? ठीक है, ये डील पक्की। अच्छी डील है। बेचने वाले को $1 मिल गया और जेन को राइड मिली। चलो चलें, पर बाइक को ठीक कराने की जरूरत है। चलो पेंटिंग की जाए। पिंक बाइसिकल खास होती है और बेहतरीन भी। कैसा रहेगा? ठीक है, मुझे व्हील्स पर एक छोटा घर बनाना चाहिए। हे निकी, यहाँ आओ। हम अपना चलने वाला घर बनाने वाले हैं और बोर्ड्स लाना मत भूलना। मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो बिल्डिंग प्लान तैयार किया जाए। हमें हर डिटेल के बारे में सोचना होगा। वाह, अच्छी सोच है। तुम सच में आर्किटेक्ट हो। निकी, हम बाइसिकल हाउस बना सकते हैं। ये कैरेज की तरह लग रहा है। चलो शुरू करें बेस्टी। और प्लान का पहला पॉइंट है फ्रेम। चलो इनका नाप लिया जाए और इन्हें लकड़ी के पैनल में बदला जाए। अब दीवारों को काटना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर जिग्सो बहुत जरूरी टूल है। हो गया, अब क्या करें जेन? ये दीवार ऊपर जाएगी। घर को आरामदायक होना चाहिए। चलो आउटलाइन को मार्क किया जाए और फिर से काट ले। हमने कर दिखाया बेस्टी। और दूसरी दीवार पर एक छोटी खिड़की रहेगी। अच्छी शुरुआत है। और अब हम दीवारों को काट पर रख सकते हैं। जेन ने काम करना शुरू कर दिया। उसके पास अपनी ड्रिल है और निकी भी बिजी है। हमें स्प्लिंटर्स नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें दीवारों पर सैंड लगाना होगा। हमने कर दिखाया। अच्छा लग रहा है। निकी, इसे टॉप पर रखना होगा। इसे ऊपर रखो और सीलिंग को सेल्फ टैपिंग स्क्रूज के साथ जोड़ें। बहुत आसान है। और ये है बड़ी विंडो। ये ऊपर और नीचे जाएगी। अच्छा काम किया जेन। अब आगे बढ़ो। मैं विंडो सिल बनाऊंगी। इनमें हिंजेस डालो और इन्हें चेक करो। हमारा घर रंगीन होना चाहिए। चलो थोड़ा पेंट कर ले। पिंक और येलो बढ़िया है। और फ्लोर पर रग लगाकर इसे सॉफ्ट किया जाए। बहुत फ्लफी है। कुछ और पिलो से ज्यादा आराम मिलेगा। ठीक है, अगला क्या? वॉलपेपर जरूरी है। टर्कोइज दीवारें बहुत खूबसूरत हैं। और जेन सीट तैयार करेगी। ये जितना हो सके उतना सॉफ्ट होना चाहिए। स्टेंसिल के हिसाब से फैब्रिक को काटे और एक कूल कवर बनाए। रफल्स को तो देखो, क्या तुम्हें अच्छा लगा निकी? मुझे पसंद आया, ये बहुत प्यारा है। लगता है इस विंडो को कर्टेन्स की जरूरत है। चिंता मत करो, इसे कैसे बनाना है निकी को मालूम है। फैब्रिक को स्टेपल्स के साथ खिड़की के आसपास जोड़ें और फिर हम इसे खूबसूरती के साथ सजाएंगे। रिबन्स और नकली आइसक्रीम के साथ। ये अच्छा आइडिया है निकी। और साइड्स की दीवारों पर ग्रीन कर्टेन्स रहेंगे। सीनरी का मजा लेने के लिए उनको आसानी से उठाया जा सकता है। निकी मदद करो, कैंपर अमीरों के कैरेज की तरह लग रहा है। चलो विंडो सील को भी सजा लिया जाए। इसे चमकदार और फ्लफी बनाए। ये बहुत बेहतरीन लग रहा है। रुको, अब ब्यूटी ब्रेक का वक्त हो गया है। हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खूबसूरत नहीं हो सकते हैं। पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर सफाई करने में बहुत समय लगेगा। क्या हुआ जी? इस गंदगी को देखो। तुम मेरे बिना क्या करोगी बेस्टी? तुम ये लो, ये तुम्हारा नया ब्यूटी जोन है। ये बेहतरीन आइडिया है। पेपर बैग्स बहुत अच्छे शेल्फ बन सकते हैं। अब घर अच्छी तरह सजा हुआ है। और बस आखिरी चीज, चलो हैंडल बार पर व्हील्स को सजाया जाए। बाइसिकल कंट्रोल यूनिट में चमकदार डेकोर के पीस की कमी है। रोड पर जाने का इंतजार नहीं होता। ठीक है, लगता है मैं कुछ भूल रही हूँ। बिल्कुल, फ्लावर्स का बास्केट। सफर बेहतरीन होने वाला है। हम व्हील्स के साथ क्या करें? ये आसान है। हमें बस जेन के आइडिया की नकल करनी चाहिए। मैं इसे ले लेती हूँ। ठीक है, चलो स्पोक्स को फ्लफी वायर के साथ सजाएं। वॉइला, ये बहुत सुंदर है। चलो अपनी सीट्स पर बैठते हैं और एडवेंचर पर चलते हैं। ब्रूम ब्रूम, बाइसिकल का सफर अब शुरू होता है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना सही रहेगा। यहाँ पर सब कुछ खूबसूरत है। मुझे भूख लग रही है निकी।
हम यहाँ पर लंच का इंतजाम करने वाले हैं जेन। हेलो, हमें सबसे बड़ा पिज्जा चाहिए। जंगल में सर्विस बहुत अच्छी है। फ्लेवरफुल पिज्जा यहाँ पहुँच चुका है, अब हम शुरू करेंगे। स्वादिष्ट है। बाहर पिज्जा खाना किसी भी खाने से बेहतर रहता है। अच्छी बात है हम सोडा लेकर आए हैं। फिर मेरा पेट भर गया। निकी, उस बादल को देखो। हे भगवान, बारिश भी होने लगी है, पर बचने का प्लान तैयार है। विंडो को फिल्म से कवर करें। अब पानी घर के अंदर नहीं आ सकता है, ये अच्छी तरह से बचाएगा। निकी, कर्टेंस नीचे कर दो। पहले ही कर दिया। जेन, कैंपर बुरे मौसम में भी आरामदायक है। अब आगे लंबा सफर तय करना है। सफर शुरू करने से पहले कुछ सेल्फीज कैसी रहेंगी? स्माइल करो। मेरे सभी दोस्तों को इससे जलन होगी। तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो गई निकी। ओह नहीं, वेकेशन के सबसे सुंदर पिक्चर का क्या होगा? अभी 100 माइल्स तक कोई चार्जर नहीं मिलेगा। घबराओ मत बेस्टी, मेरे पास एक आइडिया है। हम हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक खाली सोडा कैन। ध्यान से बॉटम को काटे। निकी, हमारे चार्जर्स को निकालो और उन्हें साथ में रखो। ये तुमने कैसे किया? टेप के साथ? बिल्कुल, ये हमेशा मेरी मदद करता है। जेन ने कैन के एजेस को पीछे की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। और हमारे पास एक छोटा फैन है, इसे हेलमेट के साथ जोड़े और हमारा विंड फार्म तैयार है। जेन, ये कैसे हमारी मदद करेगा? तुम समझ जाओगी। हम फैन से चार्जर को जोड़ेंगे और दूसरी तरफ फोन को रखेंगे। खैर, तैयार हो? अब चलो पैडल मारे। विंड पावर से फोन चार्ज हो जाएगा। जेन, ये काम कर रहा है, रुकना मत। इस तरह से घूमना सच में एक एडवेंचर है। बाइसिकल सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट है। शानदार सीनरी, आपके बालों को छूने वाली हवा, इससे बेहतर क्या हो सकता है? जी, यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत सुंदर नजारा है, पर लगता है आप थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हम यहाँ पर रुकेंगे बेस्टी। हाँ जीन, ये रुकने के लिए अच्छी जगह है। हमें आराम करने की जगह बनानी होगी। मैं अभी आई। हम ट्यूल से कैनोपी तैयार करेंगे। चलो काम शुरू करते हैं। जीन, तुम इस एज को ठीक करो, मैं दूसरी तरफ करती हूँ। इसे कोई भी कर सकता है। पहले हम हैमर से एक पेग तैयार करेंगे और इसके बाद इसके आसपास कैनोपी को बांधेंगे। ट्यूल को खींचे और आप धूप से अच्छी तरह बच सकते हैं। निकी, हम यहाँ पर फ्लैग्स रखेंगे। आराम करने की जगह और भी मजेदार होती जा रही है। काश मुझे काउच मिल जाता। अगर यहाँ कचरे के बैग्स हैं, तो यहाँ फर्नीचर भी हो सकता है। इसे काटे और पार्ट्स को टेप से जोड़े। अब हम इसे फैलाएंगे। आसान है, यहाँ पर काफी हवा चल रही है। चलो निकी, चलो। मुझे तुम पर विश्वास है। हो गया। जीन, देखो मैंने कितनी हवा जमा करी है। इसके कोने को डक टेप से बंद करो। हो गया, ये काफी अच्छा था। और जरूरी बात, ये फ्री था। कैंपिंग आरामदायक होनी चाहिए। जीन, हमें अब टेबल चाहिए। कहीं मत जाना। देखो मेरे पास क्या है। हमें इसमें एक मिनट लगेगा। ये लेग्स बनेंगे और हम यहाँ पर टेबल टॉप रखेंगे। तुम सच में माहिर होने की। रुको, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। टेबल टॉप को पेंटिंग की जरूरत है। हम स्प्रे पेंट का इस्तेमाल करेंगे। कैंपर में पिंक टेबल को रखने से ये और भी बेहतर हो जाएगा। चलो वाटरमेलन को आधा काटे और सफर के मजे लेना शुरू करें। मजे करो जी। तुम भी बेस्टी। वाटरमेलन को स्पून के साथ खाना खास ट्रीट है। ये स्वादिष्ट है। इन छिलकों का क्या करें? निकी के पास एक और अच्छा आइडिया है। वाटरमेलन के छिलके को आसानी से ग्रिल में बदला जा सकता है। हम इसे फॉइल के साथ कवर करेंगे। बॉटम में कॉल्स लगाएं और ग्रिल को टॉप पर रखें। इसे जला दो और आप सैंडविचेस बना सकते हो। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हो गया निकी, तुम इसे खा सकती हो। ट्रैवलर्स के साथ ग्रिल सैंडविचेस सबसे अच्छा डिनर है। मैं बहुत थक चुकी हूँ जेन। अच्छी नींद लेना बेस्टी। अब हमारे ट्रैवलर्स का आराम करने का वक्त हो गया है। उन्हें अभी काफी लंबा सफर तय करना है। जेन ने टेंट में सोने का सोचा है। निकी दूसरी तरफ कैंपर में ही रहेगी। उन्हें खुली हवा में हमेशा अच्छी नींद आती है।